हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड, एहतिसाब अदालत में पेश, रेफरेंसेस की समाअत जारी। हसन और हुसैन नवाज को दिए जाने का इम्कान, नवाज शरीफ कहते हैं अदालत का दोहरा मयार है जिसके खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। एहतिसाब अदालत में आज एवनफील्ड प्रॉपर्टीज और अल अजीज रेफरेंस की 12वीं जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस की 13वीं समाअत है। नवाज शरीफ 5 मरतबा, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 7 बार अदालत में पेश हो चुके। धरनों का शौकीन एक शख्स सियासी जंग को अदालत लेकर आया, कोई पूरी ना करे क्या यही खेल तमाशा चलता रहेगा? पार्लियामेंट को क्यों तहलील किया जाए? ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। और हमारे एंटरटेनर तो जिस तरह हमारा टांगे खींच के और झटके दे के और स्पीड ब्रेकर लगा के और साजिशें करके और अड़ंगे दे के इस एंटरटेनर पूरी किए जाते हैं कि आप काम ही ना करने गए। नवाज शरीफ के केस में इतनी उजलत क्यों? मरियम औरंगजेब का सवाल, कहा जीआईटी रिपोर्ट अभी तक अबूरी है। एहतिसाब अदालत अबूरी रेफरेंसेस पर ट्रायल कर रही है, अवाम 2018 में मौजूदा सवालात का जवाब दे। म्यूचुअल जेल रेफरेंसेज है वो अभी तक आ रही, वो नामुकम्मल है, वो नैब रेफरेंस अभी तक इंडिया में है, उसके ऊपर नैब रिपोर्ट का ट्रायल चल रहा है और चार रेफरेंसेज और 6 महीने मतलब डेढ़ माह में आपने हर रेफरेंस का जवाब है, तो इतनी उजलत क्यों? बाद इंटरचेंज पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का धरना 8वें रोज भी जारी, अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। वजीर कैट तारिक फजल चौधरी कहते हैं धरने वालों से मुजाकरात के लिए राजा जफरुल हक की स्थिति कायम कर दी। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी और अमरीकी सेनेटर जैकरेट की मुलाकात। एजाज चौधरी का कहना है पाकिस्तान में बदमनी, अमरीका के साथ मिलकर काम करने को